वृंदावन में एक ऐसे संत भी हैं जो निस्वार्थ भाव से लंपी वायरस से ग्रसित हजारों गायों की सेवा कर रहे हैं। इन्हें लोग गोपेश बाबा के नाम से जानते हैं। गोपेश बाबा के द्वारा यमुना किनारे बीमार गायों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है, जिनमें सैकड़ों गायों की सेवा चिकित्सकों और गौ सेवकों द्वारा की जा रही है। इस आइसोलेशन वार्ड में ब्रिज की सैकड़ों बीमार गाय मौजूद है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। गोपेश बाबा ने बताया कि इन गायों की सेवा के लिए वह भिक्षा मांग कर लाते हैं और समाज सेवी भी उनके सहायता कर रहे हैं, जिससे यह कार्य निरंतर चल रहा है। वहीं हमारे सहयोगी शुभम चौधरी ने गायों के बारे में जाना गोपी बाबा से, क्या है हकीकत ब्रज की गायों की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौजूद है वृंदावन के यमुना किनारे। हम आपको बता दें कि वृंदावन में एक ऐसे संत हैं और गायों की सेवा करने वाले हैं गोपेश बाबा। हम आपको बता दें गोपेश बाबा का काफी नाम सुना है वृंदावन में, लगातार गायों की सेवा कर रही है। एक बीमारी जो चल रही है गायों को लेकर, चंपिंग बीमारी, उसको लेकर हम बात करते हैं महाराज जी से। पहले हम अपनी गायों की व्यवस्था दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो गाय है यहाँ बीमारी से परेशान है। लगातार गोपेश बाबा जनपद नहीं उत्तर प्रदेश की जहाँ भी बीमारी वाली जो गैया हैं उनको लेकर यहाँ कैंप लगा रखा है और सभी गैयाओं की यहाँ सेवा कर रहे हैं। लगातार गोपेश बाबा, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये यमुना किनारे तट है, वहाँ पूरी व्यवस्था है गोपेश बाबा ने करा रखी है। टीन डाल के, कूलर लगा के, यहाँ मेडिकल आइसोलेशन वार्ड भी यहाँ खोल रखा है, जिससे कि जो गैया है उनके लिए लगातार बाबा सेवा कर रहे हैं। कि जो गैया है काना की नगरी ब्रज में भगवान कृष्ण उन गैयाओं को चराते थे बताया जाता है, लेकिन लगातार आज गोपेश बाबा भी वही गायों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ गोपेश बाबा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि बाबा किस तरीके से सेवा करते हैं और कितने समय से करते आ रहे हैं और उन्होंने ये संकल्प कैसे लिया, कैसे विचार आया, क्योंकि गायें जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार गायों की सेवा की वादे कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए। तो बाबा कैसे सेवा करते हैं? अब सेवा कैसे करते हैं, माँ की सेवा कैसे की जा सकती है, क्योंकि गावह विश्वस्य मात्रा कहा गया है। गुरुजन हमें गो की सेवा, गो भक्ति ही अब तक सिखाते रहे हैं, सिखाया है। तो अभी क्योंकि लाखों गोवंश की संरक्षण मतलब उनकी सेवा पूर्व से ही हमको पथमेड़ा गोधाम, जड़कोर गोधाम के माध्यम से प्राप्त है। तो अभी ये लिम्पी रूपी बीमारी जो लगभग पिछले 5 महीने से भारत में इसने प्रवेश किया और लाखों लाखों गोवंश को कालगर्भित किया, उनको समाप्त किया इस बीमारी ने। तो अभी जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि आदि क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में अभी यह बीमारी आगे छत्तीसगढ़, चित्रकूट के बुंदेलखंड क्षेत्र में, इलाहाबाद क्षेत्र में, वहाँ से फोन आ रहे हैं कि बाबा ऐसे ऐसे की बीमारी ने बहुत हो गई है, वहाँ तो मर ही गया गोवंश, यहाँ ना मरे तो क्या किया जाए। तो उनको उपाय, दवाइयाँ, औषधियाँ वहाँ भिजवा रहे हैं और ब्रज मंडल में लगभग प्राय जितने भी ब्रज क्षेत्र का गोवंश है सब यहीं हमारे साथ मौजूद रहे हैं गोपेश बाबा। उन्होंने बताया कि यहाँ लगातार जो गौ के गोवंश सेवा है वो लगातार चारे की सबकी व्यवस्था करते हैं। मैं अपने सहयोग से एक बार फिर गायों की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि लगातार जो गाय हैं, देखिए गोपेश बाबा किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। गाय है उसके घाव हो चुके हैं और गोपेश बाबा उस गाय को एक उससे ढक्के कपड़े से और यहाँ तमाम बीमारी को उसको बोलते हैं मच्छरदानी, उससे ढका हुआ है गोवंश को और किसी भी तरीके के कीड़ा या फिर किसी भी तरीके की यहाँ उनके लिए परेशानी ना हो, यहाँ इसलिए मच्छरदानी से बाबा ने ढक रखा है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि लगातार भैया क्या सेवा कर रहे हैं और कैसे सेवा है गाय की। लंपी से ग्रस्त गोवंशों के लिए गोपेश बाबा के सानिध्य में वृंदावन से सभी गौ सेवक अपने अपने स्तर से सेवा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गोविंद, जितना भी गोवंश है इनको ट्रीटमेंट देने का कार्य हम कर रहे हैं अपने स्तर पर। जिस हिसाब से देसी दवाई की जरूरत है तो देसी दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन की जरूरत है तो इंजेक्शन लगाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। यह गोपेश बाबा लगातार जो सेवा कर रहे हैं वो गायों की कर रहे हैं। आप वृंदावन में लगातार देखने को ऐसी पहली गौशाला जो मिली है गोपेश बाबा जो लगातार यहाँ जिकी जो गाय है उसको घायल गाय है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ पलट रहे हैं, जिससे कि गाय की जो घाव है वो ठीक रहे और उस पर उपचार हो सके। और बाबा लगातार यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से गायों की सेवा कर रहे हैं और अन्य जनपदों में भी, राजस्थान में, हरियाणा में,
पंजाब में भी बाबा की सेवाएं चल रही हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि रफ्तार मीडिया की जो टीम ने पहल की है गौवंश को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार के जो वादे हैं उनको देखते हुए, कि बाबा जो सेवा कर रहे हैं ऐसे ही गाय माता की सेवा करें और उत्तर प्रदेश के ब्रज धाम वृंदावन में आकर बाबा की सेवा देखें। मथुरा से रफ्तार मीडिया के लिए शुभम।